लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। डोकलाम विवाद, राहुल ने कहा आश्चर्य है, सुषमा जी जैसी महिला चीन की ताकत के आगे कैसे झुकगी। डोकलाम में चीन के सैनिकों की दोबारा मौजूदगी की खबरें, सुषमा ने एक दिन पहले ही इन खबरों को खारिज किया था। नई दिल्ली, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने डोकलाम में चीन के सैनिकों की दोबारा मौजूदगी की खबरों को लेकर गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर सवाल उठाए। राहुल ने ट्वीट किया, आश्चर्य है, चीन की ताकत के सामने सुषमा जी जैसी महिला कैसे झुकगी और असहाय होगी। हमारे नेता के पूरी तरह असहाय हो जाने के ये मायने हैं कि सीमा पर हमारे बहादुर जवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। राहुल की यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब एक दिन पहले ही सुषमा ने लोकसभा में दावा किया था कि डोकलाम में पुरानी स्थिति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ, वहाँ किसी प्रकार का नया निर्माण भी नहीं हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री ने कहा था कि इस विवाद को कूटनीतिक सूझबूझ के जरिए सुलझाया गया। स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक शिखर वार्ता में कोई छिपा एजेंडा होने के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने विवादित इलाके में चीनी सेना के फिर से प्रवेश करने और सिलीगुड़ी तक पहुंचने के दावे को बेबुनियाद बताया। दरअसल पिछले महीने अमेरिका ने दावा किया था कि डोकलाम में चीन ने फिर गुपचुप तरीके से अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। भारत और भूटान ने इसका विरोध नहीं किया। डोकलाम में तीन सीमाओं का जंक्शन, डोकलाम के पठार में ही चीन, सिक्किम और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। भूटान और चीन इस इलाके पर दावा करते हैं, भारत भूटान का साथ देता है। भारत में यह इलाका डोकलाम और चीन में डोंगलाइन कहलाता है। चीन ने जून 2016 में यहां सड़क बनाना शुरू किया था। भारत ने विरोध जताया तो चीन ने घुसपैठ कर दी। चीन ने भारत के दो बंकर तोड़ दिए। विवाद 73 दिनों तक चला था। दरअसल सिक्किम का मई 1975 में भारत में विलय हुआ था। चीन पहले तो सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता था, लेकिन 2003 से वे सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने लगा।